हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे स्टफ्ड आलू पराठा। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप्स गेहूं का आटा ले लिया है, जिसका हमने एक सॉफ्ट सा आटा मलना है। थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल ऐड करके हम इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, 4 आलू लिया था मैंने मीडियम साइज, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और उसको पील करके थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मैश कर लिया है। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस जो हमने इसमें ऐड करनी है, उसमें मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो सिर्फ जिंजर ग्रेट करके या सिर्फ गार्लिक ग्रेट करके भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जिंजर और गार्लिक दोनों को साथ में ऐड किया है आज, या आप चाहें तो इन दोनों को भी स्किप कर सकते हैं अगर आप उसका फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं तो। इसके अलावा मैंने 1/2 टीस्पून चाट मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने दरदरा कुटा हुआ जीरा लिया है यहाँ पर। थोड़ा सा अगर आप रोस्ट करके ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर ज़्यादा एनहांस होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पिंच ऑफ हल्दी ऐड करी हूँ, जो अगेन ऑप्शनल है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्चें जितना आपके टेस्ट को सूट करता है आप उसके हिसाब से ऐड कर दें, या फिर आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट एज पर एज टेस्ट हम यूज़ करेंगे। चाट मसाले में भी सॉल्ट है तो मैंने अंदाजे से कम ही ऐड किया है वहाँ पर। और हरा धनिया हम लेंगे, जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, उससे डाइजेशन में भी एड मिलेगा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से आलू पराठा। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने उसका आटा लगा लेना है, तो उसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और हमने वाटर ऐड कर लेना है। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे इसमें, और इसका बिल्कुल एक सॉफ्ट सा आटा हमने लगा लेना है। और ये सॉफ्ट सा आटा मैंने लगा लिया है, अगर 1.5 कप आटा है तो ऑलमोस्ट 3/4 कप के आसपास मैंने इसमें वाटर ऐड किया है। थोड़ा सा ऑयल हमने इस पर ऐड कर देना है और इसको अगेन हम थोड़ी देर के लिए मल लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये आटा जो है ये सेट हो चुका है, और अब हमने इसको कवर कर लेना है। थोड़ी देर के लिए हम इसको साइड में रखे रहने देंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बाउल में आलू को ऐड कर रही हूँ। सारे स्पाइसेस जो मैंने लिए हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। हल्दी अगेन ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते स्किप कर दें। कुटा हुआ जीरा ऐड कर दिया है मैंने इसमें। सॉल्ट कम ही ऐड करेंगे बिकॉज हमने इसमें चाट मसाला भी ऐड करना है। चाट मसाला ऐड कर दिया है मैंने। हरी मिर्चें जितना आप तीखा खाते हैं उसके हिसाब से, या रेड चिली यूज़ कर लें। हरा धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। और ये जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट है, अगर आप चाहें तो स्किप कर दें, या आप सिर्फ जिंजर और सिर्फ गार्लिक ऐड करके भी इसको बना सकते हैं। तो जब भी पराठा बनाएं तो आलूओं को अच्छी तरह से हमने उबाल लेना है। बस इतना ध्यान रखें कि बहुत देर तक उसको पानी में नहीं छोड़ दें, वो सौगी नहीं हो जाना चाहिए। अगर आप प्याज ऐड करना चाहते हैं तो प्याज को बारीक चॉप कर लें और उसमें 1 चुटकी सॉल्ट ऐड करके 1 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद सारा वाटर टाइटली स्क्वीज आउट करके आप इसमें ऐड कर दें, वरना उसका फिलिंग सॉगी होने से ऊपर की कवरिंग जो है फट सकती है। तो ये देखिए हमारा जो स्टफिंग है ये इस वक्त बिल्कुल रेडी है। और यहाँ देखिए ये आटा भी अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तो उसका पेड़ा हमने उतना लेना है कि उसके डबल साइज़ का बॉल मैं उसमें ऐड करूँगी। इसको इस तरह से हम रोल कर लेंगे कि इसका जोड़ जो है ये सेंटर में आके छूटे। आप चाहें तो इक्वल साइज़ का भी ले सकते हैं, जितना आटे का गोला होगा उतना ही अंदर की स्टफिंग आप ले सकते हैं, या आपने थोड़ा सा स्टफिंग बड़ा ले लेना है और गोला हमने छोटा लिया है आज, तो उस हिसाब से मैं इसको बनाऊँगी। इसके भी हमने बॉल्स प्रिपेयर कर लेने हैं। तो ये देखिए मैं इतने साइज़ का इसको बना रही हूँ, तो आप जैसे देख सकते हैं इसका गोला मैंने थोड़ा सा छोटा लिया है और इसका गोला मैंने थोड़ा सा इससे बड़ा लिया है। आप इससे ज़्यादा भी स्टफिंग ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। तो इसी तरह से हमने सारे गोले जो है वो पहले बना कर रख लेने हैं। तो पराठे बनाने के लिए एक छोटा सा गोला इस तरह से लेंगे, थोड़ा सा इस पर आटा हमने लगा लेना है। इसको इस तरह से हमने प्रेस कर लेना है किनारों पर से, सेंटर से ये थिक होना चाहिए। एक गोला हम लेंगे, इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे फिंगर से अंदर चारों तरफ से। ये देखिए जो साइड्स हैं इसको हमने ऊपर ऊपर खींच लेना है, इस तरह से अंदर प्रेस करते जाएंगे और इस तरह से इसको हमने बंद कर लेना है। ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको हमने फिर बंद कर लेना है, बिकॉज यहाँ से ये थिक है, यहाँ से भी। अब हमने इसको प्रेस कर लेना है थोड़ा सा, आटे में लपेट लेंगे इसको, सूखा आटा लगा लेंगे थोड़ा सा, फैला लेंगे और हल्के हाथों से हमने इसको
बेल लेना है। बहुत ज्यादा दबाव नहीं लगाना है वरना पराठा फट सकता है। तो ये देखिए एक मीडियम साइज का पराठा मैंने यहाँ पर बेल लिया है। तो ये पराठा हमारा रेडी है, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए एक और बना लेते हैं। छोटा सा मैंने गोला लिया है, थोड़ा सा इस पर सूखा आटा लगा लेंगे हम और इसको इस तरह से किनारों पर से प्रेस कर लेंगे। सेंटर से ये ठीक ही रहेगा। एक इस तरह से हमने बॉल ले लेना है और उसको हमने अंदर प्रेस कर लेना है। ये जो उसकी साइज़ हैं इसको हम ऊपर ऊपर करते जाएंगे इस तरह से और उसको हमने फिर बंद कर लेना है। ये जो अपर पोर्शन है इसको इस तरह से हम कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसको फिर हमने हल्के हाथों से इस तरह से रोल कर लेना है। आप चाहे तो बहुत थिन भी रख सकते हैं और चाहे तो उसको हल्का सा मोटा ही रख लें। तो ये देखिए हमारा पराठा जो है यहाँ पर रेडी है। तो पराठों को सेकने के लिए मैंने यहाँ पर तवा गरम कर लिया है और इस पर मैं ये ऐड कर रही हूँ। जैसे ये इस तरह से फूला फूला दिखाई देने लगे तो थोड़ा सा हमने ऊपर से इस पर ऑयल ऐड कर देना है और इसको अब मैं फ्लिप कर लेती हूँ धीरे से। ये देखिए इस तरफ से भी थोड़ा थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ऑयल लगा लेना। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा हल्का हम इस तरह से साइड से दबाव दे देंगे इसको ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाए। अगर आप ऑयल बहुत कम यूज़ करेंगे तो उसकी कोटिंग क्रिस्पी नहीं होगी और बहुत अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा वो। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये फूल भी गया है। तो ये एक पराठा ऐड कर दिया है मैंने हाई हीट पर। हमने इसको एक मिनट के लिए रखे रहने देना है जब तक इस पर बबल्स दिखाई नहीं देते हैं, उसके बाद ही हम इसको टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस पर बबल्स आना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल अब हमने यहाँ पर लगा लेना है इसके ऊपर। इसको पलट लेंगे, इस तरफ से भी थोड़ा सा ऑयल हम लगा लेंगे। इसको मैंने टर्न कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल हम लगा लेंगे इस तरफ से अच्छी तरीके से। इसको फ्लिप कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से भी थोड़ा सा ऑयल हम लगा लेंगे। अब जैसे देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल चुके हैं ये पराठे। हल्का सा प्रेशर हम दे देंगे इस तरफ से ऐसे। ये देखिए ये पराठा भी रेडी है, अच्छी तरह से सिक चुका है ये। इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स तैयार है स्टफ्ड आलू पराठा और आप अगर इसको अंदर से भी देखना चाहें ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये जो है इसकी स्टफिंग अंदर आप देख सकते हैं। ये देखिए तैयार है डिलीशियस आलू पराठा। बहुत ही यम्मी लग रहा है ये और बहुत ही सॉफ्ट ये बना है। देखिए आप इसको रिलिश कर सकते हैं दही के साथ, बहुत टेस्टी ये लगता है। आप इसको अचार के साथ वगैरह भी रिलिश कर सकते हैं, रायते के साथ। ये देखिए तो ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए।
अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।